तो चलिए 2500 एमसीक्यू वाली जो हम सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसका डे 9 आज हम कवर करने जा रहे हैं और आज हमारे 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। हालांकि आज हो सकता है आपको थोड़ा सा आवाज़ में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा क्योंकि माइक आज दूसरी यूज़ हो रही है, तो बट फिर भी आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 200 क्वेश्चन आज हम कम से कम 20 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, हमारे 200 के करीब क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 184। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपको मैं लेक्चर करवा चुका हूँ उनके PDF टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम JK Latest Info के नाम से है, और जो PDF अपलोड नहीं हुए हैं आज मैं वो सारे अपडेट कर दूंगा वहाँ पे। तो क्वेश्चन 184 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका रीजन। इनमें से कौन सा ऐसा रिसर्च स्टेशन इंडिया का है जो अंटार्कटिका रीजन में आपको देखने को मिलता है। तो चार तरह के ऑप्शन है, आप हिंट भी लगा सकते थे, मैत्री आपको नाम देखने को मिल रहा है, ये इंडियन है मैं तो यही होगा इंडिया का अंटार्कटिका रीजन में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो लेकिन होता क्या है, इंडिया के 3 रिसर्च स्टेशन थे, एक आपको मैत्री आपको नाम देखने को मिल रहा है, एक भारती करके था और एक हमारे पास दक्षिण गंगोत्री करके नाम था। जो दक्षिण गंगोत्री था वो हालांकि डूब चुका था, तो आज के टाइम पे जो एक्टिव 2 ही हैं, एक मैत्री वाला एक्टिव है और एक भारती वाला एक्टिव है। और अभी कुछ महीने पहले की अगर मैं बात करूंगा, जब इनकी हर साल जैसे मीटिंग सेशन होते रहते हैं, तो वहां पे कहा गया था इंडिया जो है वो एक और अपना रिसर्च स्टेशन बनाने जा रहा है। अभी उसका पूरी डिटेल सामने नहीं है बट ऐसा प्रपोजल सेट करा गया, तो अभी एक्टिव इंडिया के 2 ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए, तीनों नाम पता होना चाहिए, एक मैत्री नाम है, एक भारती बताया और एक आपको मैंने दक्षिण गंगोत्री करके बताया, ये 3 नाम आपको याद रख लेने, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं 185 क्वेश्चन की बात करें, और कुछ बच्चों के मैं कमेंट देखता हूँ वो कहते हैं कि रीजनिंग मत कराओ, मैथ मत कराओ। देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं रीजनिंग मैथ स्टार्टिंग में करवाया करता था, अब रीजनिंग और मैथ में वीडियो में एंड में करवाता हूँ, तो जिन बच्चों को रीजनिंग और मैथ से प्रॉब्लम है वो वाला क्वेश्चन स्किप कर दो, आप खाली स्टार्टिंग में जो GK वाला सेक्शन है वो कवर कर लिया करो। तो आपको जरूरी नहीं कि सारा वीडियो देखनी है, अगर आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉब्लम है लास्ट के क्वेश्चन स्किप करो, सिर्फ GK का क्वेश्चन अब करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन 185 में कहा जा रहा है Only Indian sports woman in hockey to have a stadium named after her, named the player. ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कहा गया हमें बताइए अकेली ऐसी वुमेन स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो कि हॉकी को बिलोंग करती हैं, हॉकी की प्लेयर हैं रही हैं और उनके नाम पे स्टेडियम भी बना है, उनका नाम भी आपको बताना है। चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊँ तो रानी रामपाल ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर में मैं तो ठीक है, तो रानी रामपाल ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राय बरेली यानी कि यूपी में के नाम पे स्टेडियम बनाया गया था लास्ट ईयर की ये बात है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 186 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु इज द ओनली साइंटिस्ट इन वर्ल्ड टू हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ट्वाइस, 2 बार नोबेल प्राइज जीता केमिस्ट्री में, तो वो कौन है, फ्रेडरिक सेंगर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे इनकी ही बात करेंगे, मैरी मैडम मैरी क्यूरी की बात करेंगे और फिजिक्स केमिस्ट्री में जीत चुके हैं, जो दो अवार्ड तो जीते हैं बट दोनों बार केमिस्ट्री में किसने जीता है, तो फ्रेडरिक नाम आपको याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है हु वॉज ऑन मार्च 26-24 यानी कि मार्च 2024 की बात करेंगे, नए हेड कौन अपॉइंट करेगा NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF के नए हेड कौन अपॉइंट करेंगे आपसे वो पूछ जा रहा है, ऑप्शन नंबर में पीयूष आनंद आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 188 की बात करेंगे हु वॉज ऑन मार्च, फिर से कहा जा रहा है कि नए DG कौन बनाए गए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डायरेक्टर जनरल कौन बने मार्च 2024 में, आपसे वो पूछा जा रहा है। चार तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दत्ते, ये ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 189 की बात करें, कहा जा रहा है हु वॉन द सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन मेंस जेवलिन थ्रो, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल किसके पास आया था इस बार, 2024 ओलंपिक्स की बात करेंगे, नीरज चोपड़ा की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच इवेंट डिड मनु बाकर एंड सरबजोत सिंह विन अ ब्रॉन्ज मेडल, कौन सा इवेंट ऐसा था जिसमें मनु बाकर की बात करेंगे और सरबजोत सिंह की बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित करा गया था, तो मिक्स टीम वाला इवेंट था ना 10 मीटर एयर पिस्टल वाला था, तो यहाँ पे देखो एयर राइफल भी एयर पिस्टल, तो मिक्स टीम जो इवेंट था 10 मीटर एयर पिस्टल वाला, ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 191 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच इंडियन टीम वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द पैरिस 2024 ओलंपिक्स, पैरिस की जो ओलंपिक्स हुए उसमें कौन सी इंडिया की कौन सी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इंडिया की हॉकी टीम ने जीता था ना, तो मेंस हॉकी टीम जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 192 की बात करें, कहा जा रहा है
नेम दी होस्ट ऑफ समर ओलंपिक्स 2024। 2024 में सर समर ओलंपिक्स का होस्ट कौन रहा, इस बार किसने होस्ट करा था, पेरिस ने करा था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो सही लगती है तो वीडियोस को शेयर किया करो, आप जितना शेयर करोगे जितना बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा, उतना ही रेगुलर बेसिस पर वीडियोज मिलती रहेगी। बाकी जो एप्लीकेशन से तैयारी करना चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर भी कोर्स चल रहा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा। फुल लेंथ कोर्स ज्वाइन करोगे, टेस्ट रिजल्ट को अपने आप वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर जब वीकली टेस्ट होते हैं तो वीकली टेस्ट में इस MCQ सीरीज का भी वहाँ पे टेस्ट होता रहता है, तो आपको पता लगता रहता है कि जो वीकली आपको पढ़ाया जाता है उसमें परफॉर्मेंस कैसी रही, और साथ ही साथ ये जो आपको MCQ सीरीज चल रही है उसमें ये भी टेस्ट रहता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लो, अगर आपको फुल लेंथ ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप JKP की टेस्ट सीरीज भी वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन 193 की बात करें, कहा जा रहा है अदर देन पेरिस, पेरिस को अगर छोड़ दिया जाए तो दूसरी सिटी बताओ जो ओलंपिक्स को 3 बार होस्ट कर रही है वो कौन सी है। देखो पेरिस ने 3 बार होस्ट कर दिया, आपको बता दिया। लंदन की बात करेंगे, इन्होंने भी 3 बार होस्ट करा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस एंजलिस की बात करेंगे, जब 2028 में यहाँ पर इवेंट हो जाएगा तो ये भी एक ऐसी सिटी बन जाएगी जो 3 बार जो है वो ओलंपिक्स को होस्ट करेगी। क्वेश्चन 194 की बात करें, कहा जा रहा है विच इंडियन रेसलर फेस्ड डिस्क्वालिफिकेशन ड्यू टू एक्सेस वेट ऑफ 100 ग्राम्स इन ओलंपिक्स 2024। इंडियन रेसलर कौन से थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था क्योंकि 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट देखने को मिलता है ओलंपिक 2024 में, तो विनेश फोगाट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 195 में कहा जा रहा है कि ACGE का रिलेशनशिप इसके साथ है, तो इसका किसके साथ हो जाएगा। देखो A फर्स्ट नंबर पे आता है, I 9th नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे, E 5th नंबर पे, M 13th नंबर पे, तो आपको हर जगह क्या देखने को मिल रहा है, 1 से 9 पे जा रहे इसका मतलब प्लस 8 किया होगा, 3 से अगर 11 पे जा रहे तो प्लस 8 किया होगा, 5 से मतलब हर जगह प्लस 8 वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो क्यू 17 नंबर पे आता है, 17 जब 8 ऐड कर तो 25 बन जाता है, और 25 नंबर पे वाई आता है, तो सारे ऑप्शन वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे चेक कर लेते हैं, एस 19 नंबर पे आता है, 19 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 नंबर पे ए आता है, तो वाई के बाद ए आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन दोनों जगह सेम है, लास्ट ऑप्शन की तरफ फोकस करेंगे। W23 नंबर पे आता है, 23 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा, 31 या फिर ऐसे बोलोगे 23 में 3 ऐड करेंगे 26, और फिर 5 और ऐड करना पड़ेगा, तो ई हमारे पास यानी कि YACE ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है 12 का रिलेशन 39 के साथ है, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में चेंज करना भूल चुका हूँ। देखो कैसे करना था इसको, 12 का रिलेशन 39 के साथ कैसे है, 12 को 3 से कट 36 प्लस 3 39 हो जाएगा। वैसे अगर 15 की बात करेंगे, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो 45 प्लस 3 48, तो इसका जो आंसर है वो 48 होना था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ऑप्शन वो लिखना भूल चुका हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेम कॉपी पेस्ट कर रहा था फिर वैल्यूज चेंज कर रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करना भूल गया, बट 48 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइंड द ऑड पेयर, जो ऑड पेयर आपको वो बताना है इनमें से ऑड पेयर कौन सा। देखो 73-61 की बात करें, कितना गैप देखने को मिला, 12 का गैप है। 57-69 में कितना गैप है, 12 का गैप है। 47-59 में 12 का गैप है, लेकिन 42-29 में यहाँ पे 13 का गैप है, तो अलग कौन सा है, डी ऑप्शन, वही तुमको बताना था। आगे चलते हैं, DCBHGF क्वेश्चन मार्क P1 क्या आएगा। देखो D 4th नंबर पे, H 8th नंबर पे, 4 का गैप हो रहा है, फिर आगे 8 के बाद 12 आता है, तो 12वें नंबर पे L आ जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे 16 नंबर पे जा रहा है, तो L से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर भी वेरीफाई करते हैं। C 3rd नंबर पे आता है, जी 7th नंबर पे आता है, 4 का गैप चल रहा है, 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11वें नंबर पे K आता है, तो 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 15 नंबर पे O आता है, तो पैटर्न बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 199 की बात करेंगे, कहा जा रहा है ए इज डीज ब्रदर, ए जो है वो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, डी का। डी इज बीज फादर, डी फादर हैं, किसके फादर हैं, बी के फादर हैं। बी एंड सी आर सिस्टर्स, बी और सी जो है वो सिस्टर हैं, तो बताओ हाउ इज ए, ए का रिश्ता क्या है सी के साथ। देखो सी है सी के पापा का भाई, मतलब ए जो है वो सी का अंकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अगर आप एप्लीकेशन से नहीं पढ़ रहे हो तो हमारे JK लेटेस्ट इन्फो चैनल पर जाओ, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी है, क्लास 4 के टाइम पे आपको मैथ पढ़ाया था, रीजनिंग पढ़ाया था, वो भी वीडियोस देखो, अगर वो वीडियोस देखोगे उसके बाद भी इन क्वेश्चंस को बड़े आसानी से बड़े मजे से सॉल्व कर सकते हो, टेंशन मत लो, कंटेंट सारा आपको यूट्यूब में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आराम से पढ़ सकते हो। और कुछ लोगों को मैं देख रहा था वो आपको गाइड करते हैं कि MCQ सीरीज मत देखा करो, उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ लो, कहीं से भी तैयारी कर लो, लेकिन उसके बाद आपको MCQ सीरीज देखना बड़ा ज़रूरी बन जाता है। ये MCQ सीरीज अच्छे तरीके से डिज़ाइन करी जा रही है, हर एक बात को ध्यान रखने के बाद ये MCQ सीरीज डिज़ाइन करी जा रही है, तो जो आपको मना करते हैं आप देखिएगा वो खुद भी MCQ सीरीज सामने लेकर आते रहते हैं आपके लिए।
तो किसी की बातों पर मत आइएगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपको कोई बोलता है कि सिर्फ एमसीक्यू ही याद कर लो, बाकी कुछ पेपर में ना करके जाओ, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सिर्फ एमसीक्यू आप याद करके चलोगे पेपर में तो आप बोलोगे यहाँ से काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं ना कहीं से पढ़ो, जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसके बाद आपको एमसीक्यू कवर करने, वो एमसीक्यू आपको 2500 एमसीक्यू सीरीज स्किप नहीं करने, चाहे जो मर्जी हो जाए। और इस सीरीज की भी जब मैं बात करता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आप सिर्फ पीडीएफ से याद नहीं करना है, जब मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ उन बातों को भी ध्यान रखें। जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, तो क्या सेम क्वेश्चन ना आए, बट जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ वहां से कोई क्वेश्चन बन जाए, तो इन बातों को भी ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 200 की बात करें, यानी कि आज हमारे डबल सेंचुरी हो चुकी है, तो इस क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है बाय सेलिंग अ बैग एट रुपीज 230, जब 230 रुपीज में बैग को बेचा गया तो 15% का प्रॉफिट मिला था, तो सेलिंग प्राइस बताओ कितना हो जाएगा बैग का जब इसको 20% प्रॉफिट में बेचना है। तो देखो पहले हमारे पास कितना है एसपी, हमारे पास कितना है, पहले एसपी हमारे पास है, गुड, एसपी हमारे पास है 230 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट 15% का चाहिए, तो पहले सीपी निकाल देते हैं, क्या फॉर्मूला है, एसपी इक्वल्स टू सीपी, प्रॉफिट हो रहा है ना 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो एसपी पता 230, सीपी हमें कैलकुलेट करना है, तो 100 प्लस 15 अपॉन 100, इसको सॉल्व करना है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आंसर आ जाएगा, देखो 230 को इधर ही रखो, सीपी को वैसे ही रखो, 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊँगा तो उल्टा रिवर्स हो जाता है, तो सीपी मेरे पास क्या हो जाएगा 230 × 100 अपॉन 115 हो जाएगा। अब 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 520 सही हो जाएगा, 23 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 200 रुपीज़ मेरे पास सीपी आ जाएगा। तो सीपी मेरे पास कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया। अब उसने मुझे कहा कि सेलिंग प्राइस बताओ अगर मुझे इसको 20% के प्रॉफिट में बेचना है, तो फिर से ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, मुझे 20% के प्रॉफिट में बेचना है, सीपी मुझे पता लग गया इस बार, मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है, लेकिन सीपी मुझे पता है कितना, 200 रुपये मैंने अभी कैलकुलेट करा, कितना प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 200 × 120 अपॉन 100 इसको सॉल्व करना है, तो 120 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 240, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करेंगे, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हालांकि क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं आए थे, बट जितने भी आए आपको मैं डे स्किप नहीं करना चाहता था, इसीलिए आज आपके सामने थोड़ा लेट नाइट, अगर अभी की बात करूँ 11 बजे के आसपास का टाइम होगा, क्या पता वीडियो 12 बजे के आसपास अपलोड हो, तो आप जब भी आपके पास आ रही है मैं डे स्किप नहीं करना चाहता था, इसलिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और डबल सेंचुरी के लिए आपको कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।